जंगल की दुनिया का दस्तूर बड़ा अलग है। कभी तो यहाँ मौत का तांडव देखने को मिलता है, तो कभी दर्द से कराहते जानवर। आज के इस वीडियो में आप जंगल के राजा को दर्द से तड़पते हुए देखेंगे। शेर को यूं तो तड़पते देख आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी कि भगवान ऐसी सजा किसी को ना दे। नंबर एक, दोस्तों बीमारियां किसी को भी अपना निशाना बना सकती हैं। आपको आलू का अकाल याद है? हाँ, अब सोचिए जब ये बीमारी आलू जैसी फसलों पर हमला बोल सकती है तो शेर तो फिर सजीव यानी जीव है। ये शेर भी अपने पेट से परेशान है, शायद एसिडिटी हुई है जिस वजह से खट्टी खट्टी डकारे मार रहा है। बेचारा कुछ देर तक तो बर्दाश्त करता है लेकिन फिर उसके पेट में लगा हुआ जाम खुल जाता है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। नंबर टू, कुछ ऐसा ही हाल इस शेर का भी है लेकिन ये तो ज्यादा ही परेशान है। एक तो बीमारी से परेशान, ऊपर से बुढ़ापा और इन सब पर कमजोर और टूटा फूटा शरीर। नंबर थ्री, इंसानों का क्या है कि वो दर्द होने पर डॉक्टर के पास चले जाते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं जिससे लोगों को पता चल जाता है कि सामने वाला दर्द में है। लेकिन जानवर के साथ ऐसा नहीं है, ये किसी को नहीं कह सकते कि इन्हें क्या तकलीफ है। ये शेर भी स्पाइनल इंजरी से बुरी तरह से तड़प रहा है, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा क्योंकि वो खतरनाक है। इसलिए शेर दर्द से तड़प रहा है, वो चिल्ला रहा है, पर किसी के लिए समझ पाना बेहद मुश्किल है कि यह दर्द किस चीज का है। लेकिन शेर की तड़प को देखकर आप समझ सकते हैं कि वो कितनी तकलीफ में है। वो बेचारा अपने दर्द को कम करने के लिए इधर से उधर गिर रहा है लेकिन आखिरकार आखिरी नींद ने इसे हमेशा हमेशा के लिए इस दर्द से राहत दिला ही दी और अब ये दूसरे जानवरों का पेट भरने का काम कर रहा है। कमाल है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर फोर, इस नर शेर की आधी खुली और आधी बंद आंखें आपका दिल पिघला सकती हैं क्योंकि इसकी आंखों में मौत का खौफ और जिंदगी से बिछड़ने का गम साफ देखा जा सकता है। दरअसल इस शेर को पता है कि यह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। नंबर छह, आपने कई बार देखा होगा कि बीच सड़क पर लोगों को फिट पड़ जाते हैं जिसे आम भाषा में दौरा कहते हैं। इस शेरनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। शेरनी का पूरा शरीर बुरी तरह से रोल करने लगता है, वो कीचड़ में खुद को नहला देती है, पागलों की तरह रोल होने लगती है। कुछ देर बाद दर्द या फिट्स का असर खत्म होता है और शेरनी चैन की सांस लेती है। नंबर सेवन, साउथ अफ्रीका के जंगल में एक दर्दनाक दृश्य देखने को मिला। दरअसल यहाँ एक प्राइड ने अपने लीडर को खो दिया, यानी मुख्य शेर को खो दिया। शेर के छोटे छोटे बच्चे और शेरनी अब बिल्कुल लाचार हो चुके हैं। शेरनी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो इन बच्चों को इस खतरनाक दुनिया में कैसे संभाले रखेगी। नंबर एट, ये शेरनी एक खास तरह की बीमारी से जूझ रही है। इस बीमारी को मैंज कहते हैं। ये खास तरह का स्किन डिजीज है जिसमें शेरों या जानवरों के स्किन पर खुजली यानी की इचिंग होने लगती है और उनके बाल झड़ जाते हैं जिस वजह से उनके शरीर में जलन, दर्द और लगातार खुजली जैसी प्रॉब्लम बनी रहती है। ये बीमारी या तो जानवरों को इंसानों के कांटेक्ट में आने से लगती है या फिर दूसरे कई कारणों से होती है। नंबर नाइन, इस शेर की हालत देखकर कोई कह सकता है कि ये अब कुछ ही घंटों का मेहमान है, लेकिन अगर किसी ने अच्छे काम किए हो या कुछ ऐसा किया हो जिससे ऊपर वाले को भी उस पर रहम आ जाए तो फिर मौत भी अपना मुंह मोड़ लेती है। ये सच है। असल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे इस शेर पर एक लेडी की नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि इसकी हालत बहुत खराब है लेकिन इसे बचाया जा सकता है। इस लेडी का नाम था एना जूलिया, जिसने इस शेर को जुपिटर नाम के साथ साथ नई लाइफ भी दी। इसके ठीक होने के बाद जब इससे मिलने के लिए एना पहुंची तो शेर उसे फटाक से पहचान गया और उससे लिपट गया। वाओ, इस क्लिप के लिए तो एक लाइक बनता है दोस्तों। नंबर टेन, कहते हैं एक महान राजा जब अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में होता है तो कायनात भी उसे नम आंखों से अंतिम विदा देती है। कुछ ऐसा ही इस शेर के साथ भी देखने को मिल रहा है। ढलती शाम के बाद चमकते उजाले और अंधेरे के बीच अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे इस शेर के सम्मान में आसमान भी दहाड़ कर रो रहा है, बिजली कड़क रही है और मौसम ऐसे है जैसे अभी बारिश हो जाएगी। इधर ये शेर जो अपनी दोनों आंखें खो चुका है दर्द के मारे कराह रहा है।
वो जानता है कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसे अब इस दुनिया को अलविदा कहना ही होगा। वहीं दूर खड़ी शेरनी ये सब देख रही होती है। नंबर 11, दिल के उजाले में किसी की जिंदगी का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझने वाला है, और वो कोई और नहीं, ये बूढ़ा शेर है जिसका शरीर इतना पतला और कमजोर हो चुका है कि मानो कई दिनों से ये भूख से तड़प रहा हो। आज एक पेड़ की छाया के नीचे ये शेर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस चैन से लेना चाहता है, इसलिए यहां लेटा है। और आखिरकार वो पल आ ही जाता है जब शेर इस दुनिया से विदाई ले लेता है। इस शेर को देखकर एक बात तो बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि इस लाइफ में आते समय और जाते समय कोई अपना साथ नहीं देता, इसलिए मुंह छोड़ जिंदगी को खुलकर जीने में विश्वास रखिए। क्या पता कौन सा पल आखिरी पल बन जाए। नंबर 12, जंगल के अगले छोर पर एक और शेर है जो अपने दर्द में खुद को अकेला देखकर परेशान है। दरअसल इस शेर के पैर में चोट लगी हुई है जिस वजह से वो ठीक से चल फिर नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहा है। पर एक मोड़ पर आकर इस शेर की हिम्मत जवाब दे चुकी है, शायद इसलिए अब ये अपने पैर को आराम देने के लिए यहाँ बैठ रहा है। चलिए इसे आराम करने देते हैं और हम देखते हैं जंगल के उस ओर जहाँ एक और जिंदगी अपने आखिरी पलों में तड़पते हुए विदा ले रही है। नंबर 13, ज्यादातर देखा गया है कि शेर अपने आखिरी पलों में तड़पते हुए जान गंवाते हैं, जिसकी वजह भूख, प्यास और कई बीमारी के अलावा पुरानी चोटें भी होती हैं जो उन्हें शिकार के वक्त मिली थी। उन्हीं चोटों से तड़प रहा है ये शेर। जी हाँ, अब इस दर्द से ये मुक्ति चाहता है। आज इसकी दुआ कबूल हुई, इसलिए इसकी सांसों ने इसका साथ छोड़ दिया। उम्मीद है ऊपर जाकर इसे आराम मिलेगा। नंबर 14, ये शेर आया और जमीन पर लेट गया और फिर अपने पूरे शरीर को हिलाने लगा जैसे ये बहुत दर्द में हो। लेकिन काफी देर तक इसी तरह मूव करने के लिए शेर ने हर तरह की हरकत छोड़ दी, यानी वो जमीन पर ऐसे गिर गया जैसे कहानी खत्म हो चुकी हो। नंबर 15, अब जो दृश्य आप देखने वाले हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जैसे यहाँ शेरों के लिए सवा शेर बन के आया वाइल्ड बीस्ट। दरअसल ये दोनों शेरनियां एक वाइल्ड बीस्ट को आज अपनी डाइनिंग टेबल पर सजाने के सपने बुन रही थीं। सपने को हकीकत में बदलने के लिए दोनों वाइल्ड बीस्ट का शिकार करने निकल पड़ी। देखकर लग रहा है जैसे आज वाइल्ड बीस्ट का काम खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि एक शेरनी ने इसे आगे से पकड़ा है तो दूसरी ने पीछे से। पर तभी होता है पलटवार और वाइल्ड बीस्ट अपने सिंग से एक शेरनी को फंसा लेता है। सिंग शेरनी के शरीर में घुस चुका है जिस पर लटकी हुई है। ओ माय गॉड, काफी दर्दनाक है। पर आखिरकार ये दर्द जल शेरनी को आजाद कर देता है, जिसके बाद वो यहां से भाग निकलते हैं। इस फाइट ने एक तरफ तो शेरनी को दर्द दिया, लेकिन दूसरी तरफ वाइल्ड बीस्ट की जान भी बचा दी। अच्छा है, खैर वीडियो इज ओवर गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।